न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, जस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, पीएन घाटी। आसनसोल से लेकर दुर्गापुर तक के थानों पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। नवान्न अभियान के दौरान पुलिस की भूमिका को लेकर जताया विरोध। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कमजोर मत समझे। हीरापुर थाना के एक पुलिस अधिकारी की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने मचाया हंगामा। माफी मांगने के बाद मामला हुआ शांत। नवान्न अभियान के दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के डोंट टच माय बॉडी वाले बयान को लेकर कुलटी में अनोखा विरोध। तृणमूल कार्यकर्ता टी शर्ट पर लिखवा कर बाजार हाट दुकान दुकान घूमे। सलानपुर के देंदुआ में फिर एक घर में चोरी का प्रयास, इलाके में दहशत। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कमजोर मत समझे। हमें न झुका सके कोई, जमाने में ऐसा दम नहीं। भाजपा के नवान चलो कार्यक्रम के दौरान पुलिस की बर्बरता और उसके बाद पुलिस आतंक के खिलाफ शुक्रवार को राज्य के सभी पुलिस थानों के सामने भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके तहत प्रदेश के अन्य स्थानों सहित पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न स्थानों के सामने भाजपा का धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मद्देनजर आसनसोल दक्षिण थाना, हीरापुर थाना सहित विभिन्न पुलिस थानों पर सुबह करीब 11:30 बजे भाजपा कार्यकर्ता ने थाने के मुख्य द्वार के सामने धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान आसनसोल दक्षिण थाना पर भाजपा प्रदेश कमेटी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी, शंकर चौधरी, भाजपा आसनसोल जिला महासचिव बप्पा चटर्जी, पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता बिगु ठाकुर, अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। तो हीरापुर थाना पर प्रदेश नेता पवन कुमार सिंह, विद्युत कर्मकार परिमल पॉल, संपा रॉय, मुनमुन रॉय, संजीता नूनिया, उज्जवल शर्मा, विधान तिवारी और अन्य उपस्थित थे। इस मौके पर पवन कुमार सिंह ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर कड़ी आलोचना की, जबकि बप्पा चटर्जी ने 13 सितंबर की घटना को इमरजेंसी से तुलना की। 13 তারিখে নবান্ন অভিযান যে হয়েছে, নবান্নতে যেভাবে বিজেপির কর্মীদের অপদস্থ করা হয়েছে, লাঠিচার্জ করা হয়েছে, মিথ্যা কেস দেওয়া হয়েছে, মার্ডার কেস দেওয়া হয়েছে, তার প্রতিবাদে পুরো বাংলা জুড়ে আজকে প্রত্যেক থানায় অবস্থান বিক্ষোভ ছিল। চাকরির নামে প্রচুর পরিমাণে টাকা মার্কেট থেকে তুলেছে, শিক্ষিত বেকার যুবকরা ধর্নায় বসে আছে, তাদের কোনো দাবি দাওয়া শোনার মুখ্যমন্ত্রীর সময় নেই। এবং মুখ্যমন্ত্রীকে যদি কিছু জানানো যায় তাহলে উনি তখন নবান্ন ছেড়ে গিয়ে খড়গপুরে বসে আছে, এই হচ্ছে বিষয়। আর আমরা কি দেখলাম, আমরা এই দাবি দাবা নিয়ে যখন রাস্তায় নামলাম, ভারতীয় জনতা পার্টি যখন 13 তারিখ রাস্তায় নামলো, তখন এই দলদাস পুলিশ, কারণ তৃণমূলের কাছে এখন কোনো ক্যাডার নেই, তাদের ঝান্ডা ধরার লোক নেই, তাই তারা পুলিশকে কাজে লাগাচ্ছে তাদের ক্যাডার হিসাবে। তাই দেখলাম পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় এমনকি ট্রেনে চেপে বিজেপি কার্যকর্তাদের ট্রেন থেকে নামাচ্ছে, তাদেরকে যেতে নবান্ন যেতে আটকাচ্ছে। এইরকম দলদাস প্রশাসন এর আগে কখনো দেখিনি। তারপরে যে ঘটনা ঘটেছে, তারপরের ঘটনা কি, নির্মমভাবে আমাদের মীনা দেবী পুরোহিত, একজন মহিলা নেত্রী, 6 বারের কাউন্সিলর, তাকে রাস্তায় ফেলে ছেলে পুলিশরা নির্মমভাবে পিটিয়েছে। আরও কি দেখলাম, মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় বিরোধী দল নেতাকে মহিলা পুলিশ দিয়ে হেনস্থা করা, তার বিরুদ্ধে একটা বড় ষড়যন্ত্র করার পরিকল্পনা ছিল, সেই ষড়যন্ত্রকে মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী আগেই বুঝতে পেরে বানচাল করে দিয়েছেন। তা না হলে তাকে মহিলা হ্যারাসমেন্ট করার দায়ে তাকেও জেলে পড়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। তো এইরকম চক্রান্তকারী যে সরকার চলছে, তারা বুঝে গেছে যে তাদের নবান্ন 14 তলা বিল্ডিং এত আটকানো সত্ত্বেও কার্যকর্তারা পৌঁছে কাঁপিয়ে দিয়েছে। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुक्रवार को पूरे राज्य में नवान्न चलो कार्यक्रम के दौरान पुलिस के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कथित बर्बरता और अत्याचार को लेकर राज्य के सभी थानों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके तहत आसनसोल दक्षिण विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता हीरापुर थाना पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने टिप्पणी कर दी, जिससे भाजपा महिला कार्यकर्ता नाराज हो गई। उन लोगों ने जमकर बवाल मचाया और पुलिस अधिकारी से माफी मांगने की मांग की। आगे।
घटना के संबंध में पवन सिंह ने बताया कि जब वे लोग पुलिसिया प्रवर्तक के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान हीरापुर थाना के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सब बेहाया है, जिससे सभी कार्यकर्ता नाराज हो गए, क्योंकि देश के सभी नागरिकों का गणतांत्रिक अधिकार है कि वे किसी मुद्दे को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोई भी पुलिस अधिकारी टिप्पणी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि बाद में हीरापुर थाना प्रभारी और सीआई ने आकर भाजपा कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारी अपनी बात को रख सकते हैं, इस पर किसी पुलिस अधिकारी को किसी प्रकार की टिप्पणी करना गलत है। इसके बाद मामला शांत हुआ। हमारे एक डेलीगेशन बीजेपी एक टीम सीआई सामने हमरा डेपुटेशन दीते गेछि, एर माझखाने कोनो जूनियर अफिसर एखाने किछु कुटुक्ति करेछे बीजेपी नामे, সেইটা নিয়ে আমাদের কর্মীরা সব প্রতিবাদ করেছে। পরে আমাদের থানার বড়োবাবু থানার সিআই ক্ষমা চেয়েছেন, ওদেরকে যথেষ্ট বোকা হয়েছে যে অবস্থান কর্মসূচিতে ওনারা যা বলবেন আমাদের উচিত শোনা, কোনো মন্তব্য করা উচিত না, ওনারা ক্ষমা চেয়েছেন। রাস্তা অবরোধ কি জন্য রাস্তা অবরোধ করেন? পাবলিকালি ক্ষমা চেয়ে ওই জন্য যে কিছু কটূক্তি করেছিল আমাদের বিজেপির নামে কিছু কটূক্তি করেছে কোনো থানার কোনো একজন কনস্টেবল। रानीगंज भाजपा मंडल एक के अध्यक्ष देवजीत खां के नेतृत्व में भी रानीगंज थाने का घेराव किया गया। इस मौके पर रवि केसरी, देव कुमार बोस सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर देवजीत खां ने कहा कि 13 तारीख के नवान्नो अभियान के असफल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका था वह अलोकतांत्रिक है। जो भाजपा कार्यकर्ता किसी तरह नवान्नो तक पहुँचने में सफल भी रहे थे उन पर भी लाठियाँ भांजी गयी थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया गया, हर रोड रास्ता ब्लॉक किया गया था कि भाजपा का नवान्नो अभियान सफल नहीं हो, लेकिन भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तहे दिल से राज्य के नेताओं से आभार प्रकट करता हूं कि इतना घेराबंदी के बाद भी 3 से 4 लाख जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने जान का आहुति दे करके जाकर उस प्रोग्राम को सफल किए और सत्ताधारी दल के द्वारा महिलाओं, नौजवान, छात्र और यहाँ तक कि जिनका आयु 80 वर्ष का हो उन पर जो है कतलाना हमला किया गया, उसके विरोध में आज हम लोग रानीगंज में हैं और हर ओसी के सामने इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। दुर्गा पूजा के अवसर पर फेस्टिवल बोनेंजा शॉपिंग के साथ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स पाने का मौका। लकी विनर्स को सेंट्रल मॉल की ओर से दिए जाएंगे अट्रैक्टिव प्राइसेस। साथ ही फर्स्ट प्राइस पाने वाले एक लकी विनर को उसके शानदार बजाज प्लेटिना बाइक। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिया। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अपने घर को सवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल्स सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। सर, टर्न ऑन माय कार्स AC।
Introducing the new Hyundai Venue. श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और तात साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट, पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। टीएमसी नेता विश्वजीत चटर्जी के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी पर कटाक्ष करने का अनोखा तरीका अपनाया। शुक्रवार को टीएमसी नेता विश्वजीत चटर्जी के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गंजी पहनकर नियामतपुर मार्केट का भ्रमण किया और साथ में खरीदारी भी की। इस गंजी पर डोंट टच माई बॉडी, आई एम मेल अंग्रेजी में लिखा हुआ था। गौरतलब है कि 13 सितंबर को नवान्न घेराव के कार्यक्रम के दिन जब राज्य के प्रतिपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी को महिला पुलिसकर्मी धक्का देने लगी तो उस समय शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डोंट टच माई बॉडी, आई एम मेल, यू आर फीमेल। इस बयान को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी का मजाक उड़ा रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया में उन पर कटाक्ष भी किया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को भी विश्वजीत चटर्जी ने कटाक्ष करने का एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं पुरुष हूँ, यह बताने की क्या आवश्यकता है, इससे अच्छा गंजी पर ही लिखा लिया जाए कि मैं पुरुष हूँ। আমি বলছি যে চিৎকার করে বলার কী প্রয়োজন আছে, আপনার টি শার্ট পরে নিলাম, আমরা বলে দিচ্ছি যে আমরা মেল। এবারে আমি যিনি বলেছেন ওনাকে বলবো নন্দীগ্রামে আমি ছিলাম, আমরা অভিষেক মিনিট আমরা নন্দীগ্রামে ছিলাম, এ মেল সেটা বোঝা গেছে, ঠিক আছে। লোডশেডিং নেতা যিনি বলেছেন তাকে বলবো কে নেতা, আমি ছিলাম ওইখানে ওনার গুন্ডাদের কাছে, যখন আক্রমণ করে আমাদেরকে নন্দীগ্রামে তখন আমরা চিৎকার করে বলিনি ডোন্ট টাচ মাই বডি আই এম মেল, আমরা বলেছি আমি হিলেগানে ডুলেগানে অভিষেক ম্যানার্জিকা সৈনিক খাই, তত চিৎকার করার কিছু নেই। ওনার যদি নিজের প্রতি ডাউট আছে উনি মেল কি না, তাহলে আমি বলবো এইরকম একটা টি শার্ট বানান, একটা লিখে দিন আই এম মেল। दिंदुआ क्षेत्र में फिर से चोरों का उन्माद शुरू हो गया है, जिसको लेकर इलाका व्यवसायियों में दहशत है। गुरुवार की रात दिंदुआ मोड़ के पास उत्तम सेन के घर और राशन की दुकान से चोरों ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। चोर चोरी करने में सफल नहीं हो सके, इसकी शिकायत सलानपुर थाने में की गई। शुक्रवार की सुबह सलानपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार चोरों का दल पहले दुकान की खिड़की की ग्रिल काटकर दुकान में प्रवेश किया और कुछ नहीं मिला तो वे घर के पीछे की दीवार के रास्ते छत पर चढ़ गए। छत का ताला लगा था जिसके कारण वे चोरी करने में नाकाम रहे, फिर वे वहां से भाग गए। इस तरह बार बार चोरी होने से दिंदुआ बाजार के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि पुलिस यदि इस पर उचित कार्रवाई करे तो ऐसी घटनाओं पर अवश्य अंकुश लग सकता है। তালা ভেঙে জানলাটা ভাঙা হয়ে গেছে, আর উপরতলায় আপনার নিচে থেকে গাছে চেপে নিয়ে উপরতলায় উঠেছে, উপরতলায় উঠে নিয়ে ওখানে আপনার তালা ভেঙেছে, তালা ভেঙে নিচে ঢুকে গেছে, নিচের তালাতে আবার একটা তালা ভেঙে নিয়ে তারপরে ওরা আর মানে একটু জানাজানি বুঝতে পেরে গেছে, তারপরে ওরা পালিয়ে গেছে। হ্যাঁ, কিছু চুরি উরি কিছু হয়েছে না? চুরি এখনও কোনো বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, মানে এই দোকানটা খুললাম, এখনও কোনো বুঝতে পারছি না কী হয়েছে না হয়েছে, ওটার নাম মেল করা পর্যন্ত তখন বুঝতে পারছি। পুলিশ এসেছিল। হ্যাঁ, রেশনের চাবিটা কিন্তু বাড়ি পড়েছে না, রেশন গোডাউনের চাবি। আতঙ্ক মানে এ একটা দোকানে মনে করুন, ধরুন যদি তিনবার এক মাসে যদি তিনবার চুরি ডাকাতি হয় তাহলে তো সমস্যার ব্যাপার, তাহলে তো দোকানদারি করাই মুশকিল আছে। হ্যাঁ, তো সেগুলাই একটু প্রশাসন থেকে একটু ই করবেন আপনারা, দেখবেন।
आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्ट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर। सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इको कार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड, आसनसोल सेंटर। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, चाचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी, यानी आपके सुंदर पलों का साथी। और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा, और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। हर साल की तरह इस बार भी पूजा की खरीदारी का श्रेष्ठ ठिकाना आसनसोल का प्रसिद्ध BN खाटी, जो है विश्वास का प्रतीक। महिलाओं के लिए आकर्षक सिल्क साड़ियों का खजाना, रंग बिरंगी और डिजाइनर एक से बढ़कर एक पूजा कलेक्शन, तात और दूसरी साड़ियों का भी भंडार। इसके साथ ही पूजा में लड़की और बच्चों के लिए भी परिधानों का कलेक्शन। तो देर किस बात की, पधारे BN खाटी और करे खुशी खुशी पूजा की खरीदारी। BN खाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल उत्तर ब्लॉक राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शुक्रवार को आसनसोल जिला अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक निखिल चंद्र दास को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रसूति विभाग में एक मरीज के लिए एक सीट देने, विकलांगों और बुजुर्गों के लिए दवा और टोकन काउंटर की अलग व्यवस्था करने की मांग की गई है। वहीं साधारण मामलों में भी रेफर करने का विरोध करने के साथ और कई मांगे की गई है। इस संबंध में उत्तर ब्लॉक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सह 25 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा ने बताया कि आसनसोल जिला अस्पताल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है। यहाँ जिला भर के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा यहाँ पर है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ तुरंत आम आदमी को रेफर कर दिया जाता है। अगर डॉक्टर से या यहाँ के रहने वाले स्टाफ से अगर कुछ बात होता है, तो उनको रेफर कर दिया जाता है। दूसरा जो बात है, आप देखे होंगे कि एक बेड में दो दो कर करके प्रसूत माँ रहती है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ रूम बहुत सारा खाली है, उसको भी एक अलग जगह में रख कर करके हो। तीसरा हम लोग देखते हैं कि डेड बॉडी, हम चूंकि हम लोग जमीन पे काम करते हैं, तो डेड बॉडी हम लोग 8 बजे लाते हैं, तो ये सामने इमरजेंसी के बगल वाले रूम में रखा जाता है, उनको भी मॉर्गेज में रखा जाए, ठंडा रूम में। मरने के बाद कम से कम उसका आत्मा को शांति मिले, उसका बॉडी के साथ वही मान सम्मान के साथ वही मॉर्गेज गेज में रखे, नाइट में हो चाहे डे में हो, सबको एक तरह का सम्मान मिलना चाहिए। चौथा हम लोग देखे हैं कि डॉक्टर जो यहाँ हॉस्पिटल में है, पूरे पश्चिम बंगाल में चुना हुआ डॉक्टर लोग इस हॉस्पिटल में है। आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर कम रहता है, आउटडोर में ज़्यादा रहता है। और साथ ही साथ एक चीज़ आप देखे होंगे कि डॉक्टर के साथ कुछ दलाल लोग घूमता है, जो वो लोग क्या करता है, पेशेंट पार्टी को बोलता है नर्सिंग होम में जाओ, और वो नर्सिंग होम में ले आने का उसका रास्ता हमवार करता है, और इसी हॉस्पिटल का डॉक्टर उसी नर्सिंग होम में जा करके देखता है। तो आखिर ये आम आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा।
आसनसोल राइफल क्लब के द्वारा राइफल शूटिंग की दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान आसनसोल राइफल्स क्लब और वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष बीके ढल ने दी। उन्होंने कहा कि छठी ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 18 सितंबर से किया जाएगा। अभी हम लोग का ये 18 तारीख से कंकरेंटली दोनों नेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन हो रही हैं। एक है ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप, ये भी प्री नेशनल इवेंट है। इसमें आपके शूटर हैं बंगाल के, बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। और इसके साथ साथ ही हम लोग कर रहे हैं ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 की। ये प्रतियोगिता भी जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे डायरेक्ट इसके बाद क्वालिफाई करने के बाद नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग ले सकते हैं। आसनसोल राइफल क्लब ही एकमात्र क्लब है आसनसोल में जो नेशनल लेवल की कंपटीशन इतने बड़े स्तर पर कराता है और हम लोग इससे गर्वित हैं कि आसनसोल राइफल क्लब एक इंडिया के शूटिंग मैप में है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, जस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, टीएन घाटी,